3 साल पहले कुरुक्षेत्र के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज को आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, जिसके साथ ही सरकार ने इस कॉलेज में आधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाने का दावा किया था। लेकिन प्रदेश के एकमात्र श्री कृष्ण आयुर्वेदिक महाविद्यालय को आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में बदलने का सिलसिला अपग्रेड की जगह डाउनग्रेड कवायद साबित हुई, क्योंकि 3 वर्षों में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के नाम पर सिर्फ 4 दीवारी ही बन पाई और रिसर्च के लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाई। महाविद्यालय के शिक्षक संघ का कहना है कि अगर सरकार इस प्रकार भवन निर्माण करती है तो विश्वविद्यालय के भवन बनने में सालों लग जाएंगे। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में सुविधाओं के नाम पर इंटरनेट तक उपलब्ध नहीं है। गवर्नमेंट स्टेटस की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें छात्र वर्ग के लिए, स्टाफ के लिए जो भी बेनिफिशियल पार्ट है वो बिल्कुल यदि स्टेटस नहीं रहता है तो वो नहीं मिलेगा। बाकी जो रूल्स की बात आती है, रूल्स में यूनिवर्सिटी जो भी रूल्स बनाने जा रही हैं, मान लो जैसे PhD से रिलेटेड रूल्स बनाए गए, उनमें भी हम तो सहमत नहीं हैं। वो इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि जो उनके बेनिफिशियल के उनके बेनिफिशियल पार्ट हैं उसको तो वो ले रहे हैं, और जो एक UGC नॉर्म्स हैं या जो आयुर्वेद की रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामनगर यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, इसलिए हम इसमें सहमति हमारी बिल्कुल ही नहीं है। तब होती है जब आपके पास रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो रिसर्च कहाँ से होगी? तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। अब इस आयुर्वेदिक कॉलेज में जो है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से ये क्लेम कर सकें कि यहाँ पर रिसर्च हो रही है, रिसर्च हो रही है। हमें तो नहीं लगता, आप स्टूडेंट से पूछ लीजिए क्या रिसर्च हो रही है। तो रिसर्च तो प्रॉपर एनवायरनमेंट में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होती है, जो कि आज की डेट में यहाँ पर नहीं है। शिक्षकों का डेलीगेशन अपनी समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक सुभाष सुधा से मिला, तो वहीं विधायक सुभाष सुधा ने भी शिक्षकों को आश्वासन दिया कि जल्द ही वाइस चांसलर से मिलकर समस्याओं पर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आज मुझे मिलने के लिए जो हमारा बहुत पुराना श्री कृष्णा आयुष कॉलेज है उसके सभी टीचर सभी स्टूडेंट मिलने आए। उनकी एक डिमांड थी कि जो है हमारा कॉलेज है वो अलग रखा जाए गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे, यूनिवर्सिटी अलग रहे। तो इसके बीच में मैंने वाइस चांसलर से भी बातचीत की है, अब बैठ के एक मीटिंग करेंगे इसके अंदर किस प्रकार का डिसीजन होगा। 3 साल पहले विश्वविद्यालय को आधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का दावा किया गया था, तो वहीं विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक तैयार किए जाने की बात भी कही गई थी। लेकिन 3 सालों से यहां ना तो कक्षाएं शुरू हुई हैं, ना ही रिसर्च वर्क, जो सरकार की नाकामयाबी को दर्शाता है। पंजाब के सिटी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।